आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि अच्छे पद पे एक एजुकेटेड व्यक्ति ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन इसे बोलते हैं। सुनिए, एप्पल की ऐसी दो बातें जान के आप हैरान हो जाओगे जो आपको नहीं पता होगी। हर मोबाइल कंपनी में अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना अपना काम देखते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक टीम अलग से हायर करी थी सिर्फ एक काम को एनालाइज करने के लिए कि एप्पल प्रोडक्ट को खरीद कर अनबॉक्सिंग करने पर कस्टमर को अच्छी फीलिंग आती है या नहीं, और इस फीलिंग को बढ़ाना ही उस टीम का काम था। यानी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर रहे थे वो। दूसरी चीज, आपको नहीं पता होगा कि मूवीज के अंदर नेगेटिव रोल करने वाला या विलन करने वाले को आईफोन यूज करना अलाउड नहीं है। अब स्ट्रेटजी समझो कि अमीर घर का या फिर स्टाइलिश हीरो ही एप्पल मोबाइल यूज कर सकता है। और अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि जब आप मेट्रो में जाते हो, बसेस में जाते हो या फिर ऐसी जगह जाते हो जहां पर ऐसे लोग आईफोन होल्ड करके रखते हैं जो अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो आईफोन का मतलब हो गया वेल्थ, आईफोन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड। और आज आप किसी नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में आईफोन देख लेंगे तो आप खुद उससे कैसे बात करते हैं, अरे बहुत पैसे आ रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट है कि 90% आईफोन यूजर्स आईफोन की नई सीरीज आते ही आईफोन खरीद लेते हैं। वो बात अलग है, आईफोन अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। लेकिन स्टीव जॉब्स की एनालिसिस को क्या आप एजुकेशन नहीं बोलोगे?